Salaam wa rahmatullah. Waheed here from Park Permis platform once again. आज मेरा ख्याल था कि टमाटर जो मैंने उगाए थे इस साल उनमें से कुछ सीड्स जो हैं वो सेव किए जाएं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टमाटर हमने उगाए उनमें से एक वैरायटी इस वक्त जिसका सीड मैं सेव करना चाह रहा हूँ वो ये है। ये ऑरेंज वेलिंगटन वैरायटी का बीफ टमेटो है और इसका साइज़ माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छा साइज़ है इसका। ये जो एक बड़े साइज़ का टमाटो था वो है, ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ था, अभी टूट गया इससे। ये एक छोटा टमाटो, तो विल गो हैड स्लाइस देम इन इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। तो ये जो वैरायटी है ये बीफ स्टेक टमेटो है, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है इस तरह से आपके सामने ही है इसका साइज़, और फ्लेवर बहुत अच्छा है सैंडविचेस में, सैलड्स में, या जब आप रोस्ट करते हैं टमेटो, इट्स वेरी नाइस फॉर दैट बिस्मिल्लाह। दूसरी इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर जो मीठी पार्ट है इसका वो बहुत ज़्यादा है, सीड कम है। आप ये देखिए जो बाकी टमेटोज़ होते हैं उसमें कुछ वैरायटीज़ में सीड्स ज़्यादा होते हैं, मीठी पार्ट कम होता है, लेकिन ये अगर आप देखें तो इसके अंदर जो इसका एक्चुअल फ्लैश है वो बहुत ज़्यादा है, सीड्स कम हैं इसमें। नाउ विल गो हैड एंड ट्राई टू स्कूप दो सीड्स आउट। तो जो सीड्स हैं इसमें से वो हम निकाल लेते हैं और उनको किसी भी कप में, किसी भी चीज़ में हम इस तरह से सेपरेटली रख लेते हैं। हमारे जो कल्चर जिस तरह से डेवलप हो गया हुआ है हमारा, मैं कई दफ़ा यहाँ से सीड्स वगैरह लेके गया हूँ पाकिस्तान में, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ के सीड्स, और मेरी गलती ये है कि मैंने इंस्ट्रक्ट नहीं किया वहाँ वालों को, और वहाँ के जो हमारे बहन भाई हैं वो इस मोड में नहीं होते कि वो ये काम ख़ुद करें। उनके लिए ये बहुत आसान है कि वो बाज़ार से जाके अगले साल सीड ख़रीद लेंगे, लेकिन पर्मा कल्चर में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इंडिपेंडेंट हों। तो इंडिपेंडेंट यही है कि जो आपकी डिपेंडेंस, उसमें एक स्टेप ये भी है कि जो आपकी डिपेंडेंस सीड्स की है उसको आप ख़त्म करें, और सीड के मामले में भी आप ख़ुद इन्हसार हों। तो जब भी मैंने वापस उनसे पूछा कि उस वैरायटी ने कैसे परफॉर्म किया, तो हमेशा जवाब तो यही होता था कि फटे चाक देते ना, पर जदों पूछना कि सीड्स का क्या किया, सीड्स रखे नेक्स्ट ईयर के लिए, उन्होंने वो तो जहन में नहीं आया, तो सोचा ही नहीं हमने कि वो सीड्स भी रखने हैं, क्योंकि हम वो इतने यूज्ड टू हैं ना, सीड्स को बाय कर लेते हैं आसानी से। और ये थोड़ा सा लबोरियस प्रोसेस है, इसमें मेहनत तलब है, फिर उसको संभालना और सेव करना भी शायद थोड़ा सा मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन जो आप ख़ुद सेव सीड्स सेव करते हैं वो आपका जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप सब्जियां या फ्रूट या कोई भी चीज़ ग्रो कर रहे हैं वो उससे अपनी मुवाफ़क़त पैदा करता रहता है, वो अपने आप को उसके मुताबिक ढालता है, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक। अगर हम अपने से 100 मील 200 मील दूर से सीड लेते हैं तो वो
उतना अच्छा तो नहीं है जितना हमारे अपना ज़मीन का सीड जो हमने सेव किया हुआ है उससे, उतनी मुवाकफ़त उसकी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो बेटर है दैन उससे कि जो हम दूसरे ममालिक से लेते हैं। लिहाजा ये इम्पोर्टेंट है कि इन सीड्स को हम अपनी लैंड पे ग्रो करें, और जितना ज़्यादा हम इसको अपने पास ग्रो कर सकेंगे उतना ही ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उतना ही ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा नेक्स्ट ईयर। और जो सीड का अपना डीएनए है उसमें जो हमारे वेदर की फ्लक्चुएशंस हैं वो ऑलरेडी सेव्ड होंगी कि बारिशों का पैटर्न क्या है, ड्राउट कब से कब तक आती है, किस तरह से आती है, तो वो फिर वो जो सीड की अपनी मेमोरी है उसमें ये चीज़ें होने का फ़ायदा है कि वो सीड प्रिपेयर्ड होता है इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए। आप सब लोगों को भी जो इसका शौक़ रखते हैं हम यही रिकमेंड करते हैं कि ख़ुद बीज ग्रो करें और उसको ख़ुद सीड सेव करें उसका आगे। तो टमाटर के जो सीड्स हैं इसके ऊपर आप देखें तो हल्की सी झिल्ली होती है, एक इसके साथ एक वो कैसे कहेंगे एक स्लिपरी सा स्टफ़ इसके साथ अटैच्ड होता है, उस झिल्ली को हमने डिफ्यूज़ करना होता है, उसको ख़त्म करना होता है। जब तक वो झिल्ली साथ होती है तो वो टमाटर का सीड जो है वो उतनी आसानी से जर्मिनेट नहीं होता, उसको टाइम ज़्यादा लगता है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो नेचर इसको देती है ताकि जो ही सीड ये अब टमाटर अब ये पक गया है और ये ज़मीन पे गिरेगा वाइल्ड में, या अगर आप भी इसका सीड कलेक्ट नहीं करते तो अभी ये फ़ौरन ना होगे, अब वो झिल्ली वगैरह इसकी जब तक वो ख़त्म ना हो जाए नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट स्प्रिंग तक, जब तक ये उस वक्त तक उस पौधे को उस बीज को रोके रखे जर्मिनेट होने से, ताकि वो वक्त से पहले जर्मिनेट होके तो अपना सीड ज़ाया ना कर दे, क्योंकि आगे जो विंटर आ रहा होता है वो फिर इसको मार देगा। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म है इसका, जिसको जब हम सीड सेव करते हैं तो उससे पहले ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं आगे, इस प्रोसेस में हम सीड को वो जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म है सीड का उसको रिमूव कर देते हैं सीड से, और फिर सीड रेडी होता है कि जो ही, क्योंकि अब ये आप उसकी ज़िम्मेदारी आप ख़ुद ले रहे हैं कि हम इसको एक अच्छे वक्त पे, मुनासिब वक्त पे, जब वो ठीक वक्त होगा तो हम इसको ज़मीन में लगाएंगे और इसको सिग्नल देंगे कि ग्रो करे, तो उसके लिए फिर हमें वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है सीड की वो हमें ख़त्म करना पड़ती है, और उसके बाद में फिर हम इस सीड को सेव कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट सीज़न में इसको मुनासिब वक्त पे ग्रोथ के लिए जो है मुनासिब माहौल पैदा करें। और ये हमारे लिए प्रोड्यूस करे नेक्स्ट ईयर की क्रॉप। बहरहाल अभी बहुत ज़्यादा सीड्स तो नहीं है मेरे पास, ये दो ही टमाटर थे जो मैंने वहाँ से गार्डन से लाया था पिछले वाले से, और जो सीड्स इसमें से निकले आए हैं दे आर गुड इनफ, दे शुड बी प्लेनी ऑफ सीड्स एनीवे। तो ये जो अब हमने प्योरी सीड्स में से निकाल ली है जिसके अंदर सीड्स हैं, इसके अंदर हम कुछ पानी मिक्स करेंगे अब, ये देखिए इसके अंदर हमने पानी मिक्स कर दिया है, और इसको अब मैं 3 दिन के लिए रख दूंगा रूम टेम्परेचर पे। 3 दिन के बाद इसमें वो गलने का सा प्रोसेस फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी, और ये जितना इसकी जो वो लेयर्स जो मैं हम सीड से उतारना चाह रहे हैं वो इसके ऊपर इसकी सरफेस पे वो आ जाएंगी, फिर हम इसको धोएंगे, और यही प्रोसेस
थ्री टाइम्स रिपीट करेंगे, वन टाइम ये हो जाएगा और टू मोर टाइम्स हम इसको इसी तरह से रखेंगे एक एक दो दो दिन के लिए फिर से। और फिर विल ब्लिंग, फिर हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे हम किस तरह से इस सीड को प्रिपेयर कर रहे हैं स्टोरेज के लिए। सो विल कम बैक थ्री डेज लेटर एंड इंशाल्लाह वी कैन एंजॉय दिस फ्रूट इन द मीन टाइम। फॉर नाउ अस्सलाम व रहमतुल्लाह।